में शांति नीना श्रीवास्तव पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नमस्कार कहती है और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार, और छोटे हैं तो उनको बहुत बहुत प्यार। मुझे कुछ बहनों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी तबीयत अभी 2 दिन से काफ़ी कुछ ख़राब है, लेकिन मैं उन बहनों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी मैंने अपनी बेटी से बोला कि चलो बेटा थोड़ा बाहर निकल के आए, मास्क लगा के ही चले, बहुत घबरा गए हैं, यहाँ लॉकडाउन लग गया है हमारे यहाँ भी, तो हम लोग घूमने के लिए निकले तो वही कम कपड़ों में लड़कियाँ निकल रही थी और कई वीडियो भी बना रहे थे। इतना भद्दा वो लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। लोग देखने पे बहुत मजबूर कर देते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। वो भी लॉकडाउन अंधेरा था और वहाँ लड़कियाँ इस प्रकार की हरकतें कर रही थी। मास्क भले ही लगाए हुए थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर छोड़िए अब बातों को, लेकिन कभी हुआ तो मैं वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगी। जो भद्दापन जो आजकल की लेडीज़ करती हैं, वो तो शॉर्ट वीडियो भी बहुत डाल रही हैं, शादीशुदा महिलाएं, इतना गंदा गंदा पुरुष कमेंट करते हैं, आइए हमारे दिल में आ जाइए, तो फलाना तो ठिकाना। और वो जो मेरा ख़ास तौर से वो गांव की शांति का जो मैं बताती हूँ, जो मेरी बहनें जो जागरूक हुई हैं संस्कार के, उसमें मैं तुम्हें आप लोगों को बता रही हूँ कि वही गाँव की शांति भी ऐसे ही करती है। उसके भी कई कमेंट्स में देखिएगा, जेंट्स ही जेंट्स है। वो जब मुझसे लड़ाई हुई थी तब भी उसमें जेंट्स लोगों ने ही मुझे बहुत भद्दा भद्दा बोला था। खैर जाने दीजिए, जिसको जो करना है उसको समझ में तो आएगा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या मतलब है। लेकिन औरत को अपनी इज्जत अपने हाथों रखना चाहिए, जितनी ढकुमंदी मंदी औरत रहेगी उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी और उसका साथ भी उतना ही ज़्यादा दिनों तक निभेगा। क्योंकि जो भद्दे कपड़े पहन करके जो करती है, जो कई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो सम्मान वाले, अरे तो बेकार है, इस तरीके से पेश भी आते हैं। तो नारी अपना खुद सम्मान करे और करवाए, ये नारी के ऊपर है। और मैंने अभी वीडियो थोड़े दिन पहले डाला था कि मैं मतलब 40 साल पुराना कलेक्शन, 20 साल पुराना कलेक्शन, 10 साल पुराना कलेक्शन साड़ियों का डालूंगी। साड़ियाँ मेरी सारी मिल चुकी हैं और जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होगी मैं तुरंत ही अपनी साड़ियों का कलेक्शन डालूंगी। और मेरी बहनों उस कलेक्शन को देखिएगा, थोड़ा पुरानी हीरोइनों का लुक लेकर के मैं और पुराने गानों के ऊपर थोड़ा सी मॉडलिंग करते हुए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।